एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भंडारे वाले हलवा और चना। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज़ पसंद ना हो। तो आज मैं आपके लिए यही रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल बढ़िया ऑथेंटिक। जैसा टेस्ट आपको भंडारों में मिलता है ना, वैसे ही टेस्ट आएगा अगर आप इस रेसिपी को एग्जैक्टली ऐसा फॉलो करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप चना, और इसको मैंने करीब 5 से 6 घंटे पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था पानी में। अब सारा पानी मैंने निकाल दिया है और इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 5 से 6 घंटे ये भीगे हुए होने चाहिए। तो करीब इतने चने में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑफ वाटर, और अगर आप ऐसे ना मेजर करें तो आप अपनी उंगलियों की भी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करें सॉल्ट एज पर द टेस्ट, लिड को बंद कर देंगे और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। करीब 1 सीटी हम इसे फुल पर आने देंगे और कम करके बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 सीटियां इसको आने देंगे। जब तक ये हो रहा है हम यहाँ पर मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, एंड ये एक चना मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ कर रही हूँ 3/4 टीस्पून, कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अ पिंच ऑफ हींग यानी कि एसाफोटिडा, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर और सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ये चीज़ मैंने अपनी मम्मा से सीखी है, वो हमेशा बोलती हैं कि मसालों को जब भी हम पानी में मिक्स करके यूज़ करते हैं तो मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल करके आता है और जो मसाले हैं वो जलते नहीं हैं। तो जब भी हम इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में डालते हैं तो मसालों का टेस्ट ना वो सब्जी को या किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा टेस्टी बना देती है। तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और करीब 1/2 कप ऑफ वाटर में यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ। तो अब इस मसाले को हम रखते हैं एक साइड और करते हैं हम हलवे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पर रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और जब तक ये गर्म हो रही मैंने यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑफ सूजी। आप जो भी कप या कटोरी बाउल जो भी यूज़ करें, एक चीज़ सेट कर लीजिए, ये सूजी का हलवा बनाने के लिए ये नंबर 1 टिप है। तो क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मीठा हम लोग नहीं खाते तो दैट इज़ वाई मैं 3/4 कप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप 1 कप सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डालने के बाद फ्लेम अभी लो टू मीडियम के बीच में है, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हमें फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखना है। जब सूजी और कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पर कर देना है। तभी आप देख सकते हैं ये सूजी का कलर थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑफ घी। टिप नंबर 2, जितनी सूजी लेंगे उतना ही आपको घी लेना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी तरह यहाँ पर जमा हुआ घी मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपको क्वांटिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मेल्टेड घी ही लीजिएगा, मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से घी को यूज़ कर लिया है। और घी को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी की जगह मैंने सिर्फ घी यूज़ किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर थोड़े से कैशू नट्स भी डाल दिए हैं क्योंकि मुझे अपने हलवे में आधे आधे काजू बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी इस घी में सूजी को बिल्कुल अच्छे से हमें रोस्ट करना है, जब तक कि वो बिल्कुल डार्क ब्राउन वाला कलर ना आ जाए ना तब तक। और जब हमें लगता है कि बिल्कुल हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है तो टिप नंबर 3, जितना सूजी उतना ही घी और उतनी ही हमें शुगर ऐड करनी है। मतलब 3/4 कप मैंने सूजी लिया, 3/4 कप घी था और 3/4 कप ही मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की है। अब इसको भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक शुगर इसमें अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। जो ये हम स्टेप कर रहे हैं इसमें सूजी के अंदर तक बिल्कुल घी शुगर बैठ जाएगा और जो बिल्कुल वो भंडारे में दानेदार बिल्कुल हलवा बनता है ना, कि उसके एक एक पार्टिकल में आपको घी शुगर सब कुछ मिलता है, खिला खिला सा हलवा एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा इस प्रोसीजर से। तो
जब अब हमें लग रहा है कि हमारा जो सूजी है वो अच्छे से भुन गया, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। बहुत केयरफुली ऐड करना है क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये बहुत उड़ता है ये पानी जब हम फर्स्ट टाइम डालते हैं। तो अभी मैंने 3/4 कप पानी ऐड किया है और इसको लगातार चलाते जाएंगे। फ्लेम अभी भी बिल्कुल लो पर ही है और ये वही पानी मैंने ऐड किया है जिसको मैंने बॉईल करने के लिए गैस पर रखा हुआ था। तो टिप नंबर 4, हमको पानी कितना ऐड करना है, जितनी हम सूजी ले रहे हैं उसका 3 times यानी कि 3 times हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3/4 3/4 करके मैंने 3 times पानी ऐड किया है। इफ़ सपोज़ आप 1 cup सूजी यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 cup पानी यूज़ करेंगे। ये एक परफेक्ट रेशियो है एक परफेक्ट हलवा बनाने का। तो अब इसको हम इस तरीके से लगातार हमें इसको चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे ये हलवा गाढ़ा होता जाएगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 to 5 ग्रीन जो हरी वाली इलायची होती है उसको मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया था और बस उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ग्लॉस आ गया है हलवे के ऊपर, ऑलमोस्ट ये रेडी है। एंड ये जो इसका कलर आप देख रहे हैं ना, ये ब्राउन वाला जो अच्छा सा कलर इसका आया है बिल्कुल प्रसाद जैसा, ये इसीलिए आया है क्योंकि जो हमने घी में हलवे को ये सूजी को जो हमने रोस्ट किया था ना पानी डालने से पहले, उसकी वजह से ऐसा कलर आया है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो आई एम एडिंग इन सम रीजन्स, थोड़े से पिस्ता यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं एंड थोड़े से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बादाम। अगेन इसको हम मिक्स कर लेंगे एंड आर हलवा इज़ कम्प्लीटली रेडी। इससे ज़्यादा इसको थिक मत कीजिएगा, आप देखेंगे जब आधा घंटा हो जाएगा तो ऑलरेडी ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगा। अब बनाते हैं हम अपने चने। तो चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है कढ़ाई को गैस पर और करीब 4 to 5 teaspoons मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल। जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे 1/2 teaspoon ऑफ ज़ीरा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 teaspoons अदरक और हरी मिर्च। इसको रफली मैंने इसको ऐसा क्रश करके रख लिया था, बस इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। 30 seconds के लिए बस इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना पानी में, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। सेम बाउल में मैं 1/2 cup वाटर और ऐड कर रही हूँ और उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को थोड़ी देर हम ऐसे ही भुनने देंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, बीच बीच में हमें इसको स्टर करते रहना है। तो आप देख रहे हो ना मसाला बिल्कुल परफेक्ट भुन चुका है एंड ऑयल भी कितना प्यारे तरीके से इसमें सेपरेट हो गया है। अब जो हमने चने बॉईल करके रखे हुए थे वो हम देख लेंगे। चने परफेक्ट कैसे बॉईल होते हैं, ऐसे बॉईल होते हैं जब आप इसको हाथों से प्रेस करेंगे ना फिंगर से, तो ये ऐसे ईजिली प्रेस हो जाने चाहिए। तो अब हम इन चनों को इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि चने आपके अभी भी हार्ड हैं, बॉईल नहीं हुए अच्छे से, तो 2 to 3 whistles और लगा लीजिएगा। अब इन चनों को इस मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बट जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ड्राई होता जाएगा। सॉल्ट डालेंगे एज पर द टेस्ट, ध्यान से डालिएगा क्योंकि बॉईल करते समय भी हमने सॉल्ट डाला हुआ था चनों में। पर ऐड करी 1 teaspoon ऑफ कसूरी मेथी, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट अगर आप ऐड कर सकते हो ना तो प्लीज़ ज़रूर से ऐड करना क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन केस अगर आप ये नहीं ऐड कर सकते हैं देन आप थोड़ा सा जो हरा वाला धनिया होता है ना उसको काट करके उसमें डाल देना, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट स्टेप मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 teaspoon ऑफ आमचूर पाउडर यानी कि जो ड्राई वाली खटाई होती है उसको हम ऐड करेंगे एंड वी विल गिव इट अ फाइनल मिक्स। ये हमारे चने भी बन करके रेडी हो गए। नेक्स्ट आप प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो ना, ये आधे घंटे बाद आपका हलवा ऐसा दिखेगा, कुछ बिल्कुल खिला खिला सा। घी आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा नहीं दिखेगा, उतना ही घी है जितना होना चाहिए। और ये पूरे दिन ये हलवा ऐसा ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बना रहेगा, प्रोवाइडेड कि अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा ये हलवा जैसे यूजुअली हो जाता है।
भंडारे वाला हम लोग खाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा तो यार घी और ऑयल का रेशो में ऊपर रख के चलना पड़ेगा। सो इसमें थोड़ा डाइट कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट इन्जॉय करो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बट जोक्स अपार्ट, ट्राई दिस रेसिपी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी मेजरमेंट के साथ, एंड ट्रस्ट मी यू गोइंग टू लव दिस रेसिपी। सी यू टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।